हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गो फैशनेबल विद पायल। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। आप सब अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैंने क्रिएट किया है ये पीची पिंक समर मेकअप, क्योंकि ये बहुत लाइट कलर में जाता है और बहुत ही सूदिंग सा मेकअप है, तो मुझे ये समर स्पेशल मैं इसको बोलूँगी। और इस तरह से मेरा ये मेकअप जो है वो टर्न आउट हुआ है। और आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा मेरी वीडियो को और शेयर कीजिएगा। तो चलते हैं एंड देखते हैं मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया। लेट्स मूव ऑन टू द वीडियो। सो लेट्स स्टार्ट द मेकअप गाइस। तो यहाँ पे मैं प्राइमर से स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपना फेस जो है वो अच्छे से मॉइस्चराइज कर चुकी हूँ और सनस्क्रीन भी मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। प्राइमर के लिए मैं यहाँ पे ले रही हूँ NYB का ये प्रो स्ट्रॉप क्रीम, और ये बहुत ही अच्छा ड्यूई इफेक्ट देता है, पिंकी ग्लो देता है एक, तो मुझे काफ़ी पसंद है ये, इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया। नेक्स्ट मैं यहाँ पर ले रही हूँ ये लैक्मे का लिप बाम टू मॉइस्चराइज माई लिप्स ऑल्सो, क्योंकि मैं आगे लिक्विड लिपस्टिक लगाने वाली हूँ तो मेरे जो लिप्स हैं वो ज़्यादा ड्राई ना हो, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है। फाउंडेशन के लिए मैंने यहाँ पे लिया है एलेगल का एल्यूमिनेटिंग फाउंडेशन। आजकल मुझे लिक्विड फाउंडेशन ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, क्योंकि एक तो ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं, जल्दी ब्लेंड हो जाते हैं, और इनका कवरेज भी काफ़ी अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू अदर फाउंडेशन। तो ये मैंने इस तरह से अप्लाई कर लिया। आई नो अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैं इसको धीरे धीरे ब्लेंड कर लूँगी, और जितना भी एक्सेस है वो एक वेट ब्यूटी ब्लेंडर से मैं सारा इसको मींस ये एब्जॉर्ब कर लेगा, एक्स्ट्रा कुछ भी इस पर नहीं रहेगा। नेक्स्ट मैंने स्विस ब्यूटी का ये लिया है कंसीलर, और इस तरह से अपने जो आई एरिया है उसको मैं कंसील कर लूँगी। और ये मेरा फेवरेट ब्रश है, हमेशा मैं इसको ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि अगर मैं ब्यूटी ब्लेंडर से डायरेक्ट करती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि कंसीलर सारा एब्जॉर्ब हो जाता है और वो फिनिशिंग नहीं आती है जो कि एक ब्रश से अप्लाई करने के बाद ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करने के से आती है, तो इसलिए मुझे ये पसंद है, मैं ब्रश से ही इसको अप्लाई करती हूँ। नेक्स्ट मैंने लिया है यहाँ पे मेबलिन फिट मी का ये कॉम्पैक्ट, और इससे मैं जो मेरा बेस है वो सेट कर लूँगी। वेट एंड वाइल्ड का यहाँ पे मैंने आईब्रो किट लिया है, और दोनों ब्राउन और ब्लैक कलर को मिक्स करके जो इसमें शेड दिए हुए हैं ब्लैक और ब्राउन, उससे मैं अपनी जो आईब्रोज हैं उनको बना लूँगी इस तरह से, क्योंकि आईब्रोज इतना मेन पार्ट होता है ना आईज़ का। अगर आप कितना भी अच्छा आई मेकअप कर ले, लेकिन अगर आपकी आईब्रोज नहीं है प्रॉपर बनी हुई, शेप अप नहीं है, तो लुक बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता है। फिर उसके बाद मैंने लिया है मेबलिन का यहाँ पे लूज़ पाउडर, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी अंडर आई एरिया पे और इधर चीक्स के इस साइड दोनों साइड्स पर, ताकि हाइलाइटेड रहे मेरे ये एरिया। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ ये हुडा ब्यूटी का न्यूड पैलेट, और बहुत ही प्यारे प्यारे शेड्स हैं इसके अंदर। इसमें से मैंने ये ब्राउन सा शेड है वो पिक किया है, और इसको मैं अप्लाई कर लूँगी।
सो आई मेकअप मैंने यहाँ पे पूरा शो किया है और इसमें कुछ कटिंग नहीं की है और इस तरह से मेरा ये आई शेड है जो है वो निकल कर आया है। अब मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ मस्कारा अपना मेबलिन का, ये मेरा फेवरेट मस्कारा है और मैंने अपनी जो फॉल्सीज़ है वो भी अप्लाई कर ली हैं। नेक्स्ट आई एम यूजिंग ब्रॉन्जर ऑफ शुगर इन द शेड वुडी वॉन्डर। आप हमेशा देखते हैं, अगर आप मेरी वीडियो रेगुलर देखते हैं तो ये मेरा फेवरेट कॉन्टोर है, ब्रॉन्जर है, क्योंकि इसका जो शेड है वो मेरे स्किन टोन से के अकॉर्डिंग बिल्कुल करेक्ट आता है। और अब आती है नोज़ कॉन्टोरिंग की बारी। अगर आप पार्टी मेकअप कर रहे हैं या फिर आपको किसी फंक्शन में जाना है तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है आपकी लुक को, एकदम पॉइंटेड फीचर्स दिखते हैं इससे, नोज़ आपकी एकदम शार्पन दिखती है, पूरा ओवरऑल लुक आपका चेंज कर देती है, इसलिए पार्टी मेकअप के लिए इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर आज लिया है ब्लू हेवन का ये वाला पैलेट, क्योंकि गाइज़ ये मेरा बहुत काफ़ी पहले का पैलेट है, मैं इसको बहुत ही कम यूज़ करती हूँ, तो मैंने सोचा कि आज मैं इसको भी ट्राई कर लेती हूँ। और इसमें से मैंने ये जो पिंक शेड है, एक लाइट था एक डार्क था, दोनों को मिक्सअप करके मैं इससे अपना ब्लश जो है वो अप्लाई करूँगी और थोड़ा सा मैं नोज़ पर भी अप्लाई करूँगी ताकि पिंकी पिंकी सी नोज़ लगे, क्योंकि पीछे मेकअप कर रही हूँ तो थोड़ा सा इस पर ऐसा लुक अच्छा लगेगा। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है ये NYBE का हाईलाइटर लिक्विड वाला, लिक्विड शिमर ड्रॉप्स, और ये भी काफ़ी अच्छा हाईलाइटर है लिक्विड में और काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पर, ये पर्पल पर या फिर अमेज़ॉन पर भी आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब इस तरह से मैंने यहाँ पे मैं आईज़ पर हाइलाइटर लगाना भूल गई थी, भूल गई थी मैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिपस्टिक अप्लाई की है। पहले मैंने ब्राउन कलर से अपने लिप्स को शेप अप किया है और मैंने यहाँ पे सबसे पहले लगाई थी मैंने ये बुलेट लिपस्टिक NYBE रनवे की, और फिर उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे दूसरी भी लिपस्टिक अप्लाई करनी चाहिए। पहले मैंने यहाँ पे मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज़ कर लिया है NYBE का, ये मैट सेटिंग स्प्रे है, अच्छा है काफ़ी, लेकिन मुझे ड्यूई वाला ज़्यादा अच्छा लगता है, ये मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। अब मैंने यहाँ पर लैक्मे फॉरएवर की लिक्विड लिपस्टिक ली है इन द शेड न्यूड मिथ और मैंने इसको अप्लाई कर लिया इसी लिपस्टिक के ऊपर, और उसके बाद मुझे अपना ओवरऑल लुक जो था वो बहुत अच्छा लगा था। एंड हियर इज माय फाइनल लुक गाइस, कैसा लगा आपको? ये मेरा फर्स्ट पीची पिंक मेकअप है जो मैंने अभी तक जितने भी मेकअप आपके साथ शेयर किए हैं, तो दिस इज़ दी फर्स्ट पीची पिंक मेकअप और मुझे ये सच में बहुत अच्छा लग रहा है। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज़्यादा मुझे ये अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसका जो आई मेकअप है थोड़ा सा हटके है, मैंने आज तक जितने भी आई मेकअप आपके साथ शेयर किए हैं तो मुझे अच्छा लगा ये। आपको भी अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। तो चलती हूँ फिर, मैं मिलती हूँ बहुत सारे और भी मोनोटोन मेकअप ऐसे लेकर आऊँगी, तब तक के लिए बाय बाय।